हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। प्रीवियस कुछ वीडियोस में निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस मैंने आप सभी के साथ अपने वीडियोस में शेयर किया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने उन्हीं लेवल्स पर उसी तरह से रिएक्शन दिया है। और जो वीकली लेवल्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, उन लेवल्स के आसपास में निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ मेरी एनालिसिस की मदद से और जो वीकली लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, उसकी मदद से मार्केट के ट्रेंड को समझने में, एनालिसिस करने में और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने में आपको आसानी हो रही है। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में भी इसी तरह मैं आप सभी के साथ में वीकली लेवल्स और चार्ट के एनालिसिस शेयर करता रहूं। और अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है और जो लेवल्स मैं आपको हर वीक शेयर करता हूँ वो भी पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को दूसरे निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडर के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनके भी मार्केट को समझने में, चार्ट को रीडिंग करने में और मार्केट के ट्रेंड को समझने में आसानी हो सके। और आप देख सकते हैं ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर निफ्टी ने बहुत ही बड़ी बिग बॉडी ग्रीन कैंडल बनाई है, जो क्लियर इंडिकेशन देता है कि प्रीवियस वीक में बुल्स ने बियर्स को अच्छी तरह से ट्रैप किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले रेंज बताई थी उसी रेंज के आसपास फिर से निफ्टी को सपोर्ट लिया है और फिर से स्क्वायर ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाले टाइम में निफ्टी में अपसाइड मूव कंटिन्यू रह सकती है। और अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और हायर हाई और हायर लो की पैटर्न बना रहा है और अपनी अप मूव को कंटिन्यू कर रहा है। और ऊपर में कौन सा ऐसा बड़ा रेजिस्टेंस है जो निफ्टी को रोक सकता है, तो ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 16,660 का लेवल। ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले दिनों में, और इस लेवल के आसपास निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में आप 16,660 के लेवल पर बहुत ही खास वॉच रखिए। और अगर आप नीचे में सपोर्ट की बात करेंगे तो 15,500 का लेवल, ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है जो अब जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में आप इन दोनों लेवल पर खास वॉच रखिए। और नेक्स्ट वीक में निफ्टी में बहुत ही बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो जो भी ट्रेड करिए बहुत ही सोच समझ के, सावधानी के साथ करिए और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करिए। अब इसके बाद में बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं जो मैंने सपोर्ट लेवल बताया था 32,700 का लेवल, बिल्कुल इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और वहां से कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो के पैटर्न बनाकर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। और ऊपर में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी इस ऊपर वाली हायर ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है, और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी बिल्कुल इस लेवल के आसपास आ चुका है। और ये ट्रेंड लाइन ही बैंक निफ्टी के लिए आने वाले टाइम में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से रिवर्स करता है तो फिर से बैंक निफ्टी नीचे वाले ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करेगा। तो आने वाले दिनों में आप इस ट्रेंड लाइन पर खास वॉच रखिए और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के लिए कम से कम डेली क्लोजिंग जरूरी है। इसलिए इंट्राडे के अंदर अगर कोई मूवमेंट आती है तो आप उसमें ट्रैप मत होइए, क्लोजिंग का वेट करिए। क्लोजिंग के बाद में भी आपको ट्रेडिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब देख लेते हैं आने वाले वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पर फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में 16,360 से लेके 16,390 का लेवल, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी को इस लेवल पर रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 16,050 से लेके 16,000 के सपोर्ट लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी 16,690 के ऊपर ब्रेकआउट देता है और 50 में क्लोजिंग देता है तो ऊपर में बाइंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और ऊपर में निफ्टी 16,660 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया 16,660 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो अगर निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो फिर से निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो सकता है और नीचे में निफ्टी फिर से 16,360 से 390 के सपोर्ट रेंज को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर हम नेक्स्ट वीक के सपोर्ट की बात करें तो अगर निफ्टी 16,000 से 16,050 के सपोर्ट रेंज पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो अच्छी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है और फिर से निफ्टी ऊपर में 16,360 से 390 के रेजिस्टेंस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी 16,000 के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो निफ्टी में शार्प सेलिंग एक्टिव हो जाएगी और नीचे में निफ्टी 15,780 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास वॉच रखिए, 16,360 से 16,390 का रेजिस्टेंस और नीचे में 16,000 से लेके 16,050 का सपोर्ट। इसके अलावा 16,660 के लेवल पर भी आप खास वॉच रखिए। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 35,560 का लेवल, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो ऊपर में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 36,250 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को 36,560 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 34,690 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 34,690 ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो नीचे में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और बैंक निफ्टी नीचे में 34,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को 34,690 पर सपोर्ट मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में फिर से शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी फिर से 35,560 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास वॉच रखिए, 35,560 का रेजिस्टेंस और 34,690 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक कीजिए, कन्फर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। और आशा करता हूँ जो एनालिसिस और निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ उसकी मदद से मार्केट को एनालिसिस करने में, मार्केट की डायरेक्शन को समझने में आपको आसानी हो रही है। और अगर आपको मेरी एनालिसिस और मेरे बताए हुए लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।